नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेज़र सर्जरी सेंटर, प्रसाद चेंबर्स, करवे रोड नियर HP पेट्रोल पंप, पुणे 4, इंडिया, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपके साथ कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी ऑपरेशन बात की महत्वपूर्ण सूचनाएं के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस में मैं हरदम देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स बार बार आते हैं और उसका एक ही कारण है कि पूर्व तैयारी नहीं होती है। कोई बातें महत्वपूर्ण रहती है कि आपका कॉम्प्रेशन गारमेंट आपके हाथ में जब तक नहीं आता है, पर्टिकुलरली लाइपोसक्शन, गायनेकोमेस्ट या ब्रेस्ट इम्प्लांट, इसके लिए तो आप अपॉइंटमेंट मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कारण से वो तैयार नहीं हो पाता है और पूरे अपॉइंटमेंट लेने के एफर्ट्स वेस्ट जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि आपके हाथ में जब तक कॉम्प्रेशन गारमेंट नहीं आता है और आप पहन के नहीं देखते हैं तो आप अपॉइंटमेंट मत लीजिए, और जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो बहुत सोच समझ के अपॉइंटमेंट लीजिए, गड़बड़ में मत लीजिए। आपकी तैयारी का रिव्यू कीजिए, देखिए कि आपकी छुट्टी बराबर मिली है नहीं है, आपका पैसे का इंतज़ाम पूरा हुआ है नहीं है, आपका आने जाने का प्रबंध आराम से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको कोई केयर टेकर आपके साथ रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। ये सारी बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है और लेडीज़ पेशेंट्स में ये देखना आवश्यक है कि आपका मंथली प्रॉब्लम बीच में आ रहा है या चालू होने वाला है। ये आवश्यक है कि किसी भी ऑपरेशन के एक हफ्ते पूर्व या एक हफ्ते बाद वो चालू हो जाए। उसकी कुछ दवाइयाँ मिलती है, आप लेके वो डेट एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको कोई भी एक्टिव इन्फेक्शन बॉडी में हो, जैसे कि फ्लू है, जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, थोड़ा सा फीवरिश लग रहा है, तो तुरंत आप मुझे संपर्क कीजिए। यह आवश्यक है कि ऐसे स्थिति में आप ऑपरेशन ना करें। आप अपने फैमिली डॉक्टर से इसके बारे में चर्चा करके, विचार विमर्श करके दवाई चालू कर सकते हैं, और वो जब कहेंगे कि आप ऑपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल हैं, तो आप फिर ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाहर गांव के आने वाले लोग मेरे पास बहुत हैं, परंतु एक कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपके फ़ोटो सविस्तर अच्छी क्वालिटी के भेजना आवश्यक है। मेरे साथ पूरी डिटेल में चर्चा करना चाहिए और आपको एग्जैक्टली कौन से एरियाज़ का लाइपोसक्शन करना है, कौन से एरियाज़ या मल्टीपल ऑपरेशंस एक साथ करना है, तो ये मुझे पहले मालूम होना बहुत आवश्यक रहता है। आपके ब्लड यूरिन के रिपोर्ट्स पहले 8 दिन पहले आप हमें भेजना आवश्यक है। आप लंबे दूर से आ रहे हैं, आपका समय इम्पॉर्टेंट है, वैसे हमारा भी समय इम्पॉर्टेंट है, तो कम से कम 1 दिन पहले आप पुणे में आइए। अगर ऑपरेशन 12 बजे है तो आप 10 बजे पहुंचने का प्रयास मत कीजिए। कई बार बस लेट रहती है, कई बार आप पहुंच नहीं पाते हैं और सारे के सारा ऑपरेशन कैंसिल होता है, एनेस्थेटिस्ट को वापस जाना पड़ता है, सभी तैयारी वेस्ट जाती है। तो ये आवश्यक है कि 1 दिन पहले आप पुणे में आए। दूसरी बात, बाहर गांव के लोग जो ऑपरेशन के लिए आते हैं तो वो कम से कम दूसरे दिन एक बार मुझे बताएं और फिर जाइए। ऑपरेशन होते ही गाड़ी में मत बैठिए, कभी कभी अनयूजुअल प्रॉब्लम आ सकता है और फिर वहाँ कोई भी नहीं रहेगा जो आपको मदद कर सकेगा। दूसरी बात ट्रांसपोर्ट के बारे में है कि आप जब ऑपरेशन के लिए आते हैं तो कृपया आप
टैक्सी से आइए, रिक्शा से आइए या बस से आइए, बट खुद गाड़ी चला के मत आइए, क्योंकि वापस जाते समय आप गाड़ी नहीं चला पाओगे और आपको मोटरसाइकिल या कार वहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये अवश्य ध्यान में रखें। जाते समय भी आप टैक्सी बुक करके जाइए, अगर आप अकेले हैं, आपके साथ कोई है तो फिर बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले दो नाइट्स आपके साथ कोई तो भी जिम्मेदार व्यक्ति बड़े ऑपरेशन के बाद होना जरूरी है, वो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको सहारा भी मिलता है और आप सुरक्षित पना महसूस करते हैं। पेमेंट के बारे में साफ साफ मुझे पूछ सकते हैं, मेरे असिस्टेंट को पूछ सकते हैं और फिर उसको फॉलो करना बड़ा आवश्यक है। लास्ट मोमेंट को अगर आप चेंज करते हैं या पेमेंट नहीं दे पाते हैं तो फिर मुश्किल हो सकता है। तो भाइयों और बहनों, ये सारी सूचना आवश्यक ध्यान में रखें, आगे चल के जब कभी आप कोई ऑपरेशन करते हो तो इससे आपको बहुत सुविधा होगी और हमको भी सुविधा होगी। धन्यवाद।